स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 38। इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं। ये चारों क्वेश्चंस इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड हैं। तो हम पहले देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रैक्टिस सेट 37 जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड था, वो प्रैक्टिस सेट हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। अब इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम रिवाइज करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज होती थी, दोनों ही या तो इंक्रीज होगी हो रही थी या तो दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही थी। मीन सेम रेशियो में या तो इंक्रीज हो रही थी या तो डिक्रीज हो रही थी दोनों क्वांटिटी। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। मीन्स एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि स्पीड और टाइम। अगर हम गाड़ी को तेज स्पीड में चला रहे हैं तो हमें टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर हमने कम कर दी तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक एंड हाउ मेनी वुड 15 टेक। सो 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं टू वीड अ फील्ड। मीन्स जो अनवांटेड प्लांट होते हैं फील्ड में, जैसे घास वगैरह, उसको निकालने के लिए 5 वर्कर्स को 12 दिन लग रहे हैं। 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, तो 6 वर्कर्स को कितने लगेंगे और 15 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें 5 वर्कर्स का दे दिया है कि 5 वर्कर्स को तो 12 डेज लग रहे हैं, और आपको बताना है कि 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे। सो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो दिन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कम दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 6 वर्कर्स को x डेज लगेंगे और 15 वर्कर्स को y डेज लगेंगे। सो लेट 6 वर्कर्स टेक x डेज एंड 15 वर्कर्स टेक y डेज टू वीड अ फील्ड। सो हमने अज्यूम कर लिया कि 6 वर्कर्स को x डेज लगेंगे और 15 वर्कर्स को y डेज लगेंगे टू वीड अ फील्ड। सो एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस। जैसे कि वर्कर्स बढ़ेंगे वैसे ही कम दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमें लिखना है, सो द नंबर ऑफ वर्कर्स, यहीं से लिखना है द नंबर ऑफ वर्कर्स और एंड द नंबर ऑफ डेज। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अभी यहां से नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट हम यहां से लिख देंगे, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों ही इनवर्स प्रोपोर्शन में, एक बढ़ रहा है एक क्वांटिटी तो दूसरी कम हो रही है। सो वर्कर्स और डेज, 5 वर्कर्स को 12 डेज लगे, 6 वर्कर्स को हमने अज्यूम किया कि x डेज लगेंगे और 15 वर्कर्स को y डेज लगेंगे। सो देयरफॉर 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। वहां लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने डिवाइड किया था, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं, सो 5 × 12 = 2। 6 वर्कर्स को x डेज लग रहे हैं, 6 × x, तो 6x हो गया। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं x = 5 × 12। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई था तो यहां पर आ गया, तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 6 × 2 = 12, तो हमें मिल रहा है 5 और 2। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, x = 10। ये 10 क्या है, डेज है, x = 10 days। हम इसी तरीके से y का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, y का वैल्यू। सो है 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं, सो 5 × 12 = 15 वर्कर्स को y डेज लगेंगे, सो 15y। नेक्स्ट तो y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, y = 5 × 12 / 15 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 5
यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, सो हम कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 मिला, सो 3 4 जा 3 4 जा 12 होता है। सो y देयर फोर वाई इक्वल्स टू वी कैन राइट 4, y का वैल्यू हमें 4 मिला, सो ये 4 डेज है। तो 15 वर्कर्स को 4 दिन लगेंगे काम फिनिश करने के लिए और 6 वर्कर्स को 10 डेज लगेंगे। सो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर होगा 6 वर्कर्स विल 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज एंड 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज टू वीड अ फील्ड। सो दिस इज आवर कंक्लूजन, 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज एंड 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज टू वीड अ फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोहन राव टुक 10 डेज टू फिनिश अ बुक, रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। सो मोहन राव को 10 दिन लगे एक बुक कंप्लीट करने के लिए, जबकि उन्होंने 40 पेजेस एवरी डे रीड किया, एवरी डे उन्होंने 40 पेजेस को रीड किया, तो उनको 10 डेज लगे वो बुक को कंप्लीट करने में, फिनिश करने में। सो उसी सेम बुक को अब 8 डेज में कंप्लीट करना है, 8 डेज में पूरी बुक को फिनिश करनी है, तो कितने पेजेस रीड करने होंगे एक दिन में, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, तो एक दिन में उनको कितने पेजेस रीड करने होंगे कि वो बुक 8 डेज में ही खत्म हो जाए। 40 पेजेस रीड किया तो 10 डेज में खत्म हुई, सो 8 डेज में खत्म करना है तो कितने पेजेस को एक दिन में रीड करना होगा। सो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स पेजेस जो है इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज होंगे, दोनों ही इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि ज्यादा पेजेस पढ़ेंगे तो ही कम दिनों में वो बुक कंप्लीट होगी। सो लेट स्टार्ट द सोल्यूशन, लेट मोहन राव रीड x पेजेस एवरी डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। हमने x एज्यूम कर लिया है कि x पेजेस वो रीड करेंगे तो 8 डेज में बुक फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट, एज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस द नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ डेज एंड द नंबर ऑफ पेजेस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमने नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस ये दोनों ही इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट, डेज और पेजेस, 10 डेज में बुक कंप्लीट हुई जब 40 पेजेस रीड किए, सो 8 डेज में बुक कितनी पेजेस रीड करेंगे तो 8 डेज में कंप्लीट होगी, सो देयरफॉर 10 इंटू 40 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। सो अब हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू वी कैन राइट 10 इंटू 40 अपॉन 8, यहां पर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज एक्स के साथ मल्टीप्लाई था। नेक्स्ट 8 फाइव जा 40, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू 10 इंटू 5, एक्स इक्वल्स टू 10 फाइव जा हमें मिलेगा 50, तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, एक्स इक्वल्स टू 50, 50 क्या है, पेजेस है, सो 50 पेजेस रीड करना पड़ेगा मोहन राव को, सो दैट वो बुक 8 डेज में फिनिश होगी। सो अवर कंक्लूजन, मोहन राव मस्ट रीड 50 पेजेस इन अ डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। सो 50 पेजेस रीड करना होगा सो दैट ही कैन फिनिश द बुक इन 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। अभी मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, मैरी 6 किलोमीटर पर आवर मीन्स 6 किलोमीटर हर घंटे में वो 6 किलोमीटर कवर कर रही है, 6 किलोमीटर पर आवर मीन्स हर घंटे में, एक घंटे में वो 6 किलोमीटर कवर कर रही है, ऐसे स्पीड पे वो जा रही है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे, तो वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर जा रही है तो वो अपनी आंटी के घर पे कितने टाइम में पहुंचेगी जो कि 12 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, तो वो कितने देर में पहुंच जाएगी अपनी आंटी के यहाँ पर, वो हमें फाइंड आउट करना है। और अगर उसने स्पीड को चेंज कर लिया, इफ शी साइकल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक
अगर उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली 4 किलोमीटर कर ली तो वो कितने टाइम में अपनी आंटी के घर पे पहुंच जाएगी, ये हमें बताना है। 2 कंडीशन दिए, 2 केस दिया हमें। एक में उसकी स्पीड दी है 6 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस सेम है 12 किलोमीटर ये, बट स्पीड दोनों में चेंज हो रही है। फर्स्ट में 6 किलोमीटर है उसकी स्पीड, तो वो कितने घंटे में 12 किलोमीटर कवर करेगी। ऑफकोर्स यहाँ से दिख के तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 6 किलोमीटर में अगर वो 1 घंटा कवर करती है तो 12 किलोमीटर वो 2 घंटे में कवर करेगी, सो उसको 2 आवर्स लगेंगे। लेकिन अभी हमें इसे सोल्यूशन में लिखना है। और इफ सी साइकिल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, अगर उसने अपने स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कर दी, हर घंटे वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो 12 किलोमीटर फिर कितने टाइम में पहुंचेगी ये हमें बताना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन 1 दिया है। कंडीशन 1 में हमें क्या दी है, स्पीड क्या दी है, स्पीड ऑफ साइकिल, साइकिल की स्पीड इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन में 6 किलोमीटर दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें गिवेन है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम क्या होगा हमें नहीं पता, सो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। हमें टाइम का फॉर्मूला लिखना होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमें दिया है डिस्टेंस दिया है 12, स्पीड दी है 6, सो 12 डिवाइड बाय 6, तो हमें क्या मिलेगा, टाइम देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू 2 आवर, ये आवर्स दिया है हमें, 2 घंटे लिखेंगे, 6 2 12, तो हमें 2 आवर्स मिल रहा है। सो फर्स्ट कंडीशन में हमें टाइम 2 आवर्स लगेंगे उसको, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाएगी तो उसे 2 घंटे लगेंगे आंटी के घर तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन 2, सो यहाँ पर स्पीड ऑफ अ साइकिल हमें 4 किलोमीटर दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डिस्टेंस सेम है 12 किलोमीटर और यहाँ पर भी हमें टाइम फाइंड आउट करना है बिकॉज स्पीड चेंज हो गई है। हमें फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस है हमारे यहाँ पर 12 किलोमीटर, स्पीड यहाँ पर चेंज हुई है 4 है, सो 4 3 12, तो यहाँ पर हमें टाइम मिल रहा है, टाइम इक्वल्स टू 3 आवर्स। कंडीशन 2 में जब उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होगा तो उसे 3 घंटे लगेंगे आंटी के घर तक पहुंचने के लिए। देयरफॉर आवर कंक्लूजन, इफ द स्पीड ऑफ साइकिल इज 6 किलोमीटर पर आवर देन मैरी विल टेक 2 आवर्स एंड इफ द स्पीड ऑफ साइकिल इज 4 किलोमीटर पर आवर देन शी विल टेक 3 आवर्स टू रीच हर आंट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4,000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल। यहाँ पर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में इतना ग्रेन्स है कि 4,000 लोग 4,000 पीपल को 30 डेज तक चलेगा, उतना खाना है, इतना स्टॉक ऑफ ग्रेन्स है, बट वो ही स्टॉक ऑफ ग्रेन्स 6,000 पीपल्स के लिए कितना दिन चलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर 4,000 पीपल है तो 30 डेज तक वो लोगों को उतना खाना इनफ है, 30 डेज तक चलेगा, लेकिन 6,000 पीपल है तो कितने दिन में वो खाना कितने दिन तक चलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अभी लोग ज्यादा हो गए हैं तो खाना कम दिनों में फिनिश हो जाएगा, बिकॉज 4,000 लोग थे तो 30 दिन तक चल रहा था वो, वहीं पे 6,000 पीपल आ गए तो वो थोड़े कम दिनों में खत्म हो जाएगा। सो वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने दिन तक वो खाना चलेगा वो स्टॉक ऑफ ग्रेन। सो लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स लास्ट फॉर एक्स डेज फॉर 6,000 पीपल, हमने एक्स ले लिया कि एक्स डेज चलेगा 6,000 पीपल के लिए। So as the number of people increases, the number of days decreases. अब हम देख सकते हैं कि वहां पर 4,000 पीपल था तो
30 डेज लग रहा था, 6000 पीपल होगा तो नंबर ऑफ पीपल्स जो है इंक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा. नंबर ऑफ एज अ नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेज. नेक्स्ट होगा सो द नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर नेक्स्ट हम 4000 पीपल के लिए स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर 30 डेज इक्वल्स टू 6000 पीपल के लिए एक्स डेज लगेगा. सो हम एक्स का वैल्यू, देयरफॉर वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स इक्वल्स टू वी कैन राइट 4000 इंटू 30 अपॉन 6000. एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, सो एक्स इस लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में आया तो डिवाइड हो गया. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 है, यहाँ पर भी 30 है. वी कैन कैंसिल जीरोस जीरो. सो 4 इंटू 30 अपॉन 6, सो 6 5 30 बच रहा है 4 और 5. सो 4 5 हमें मिलेगा, देयर फॉर 20. एक्स इक्वल्स टू 20, ये 20 क्या है, डेज है. सो एक्स इक्वल्स टू 20 डेज. अवर कंक्लूजन, द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 डेज फॉर 6000 पीपल. द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 डेज फॉर 6000 पीपल.